घटना घटी है ये कोई मामूली घटना नहीं है। रात बिरात में होती तो भाई ये आके चला गया, मार के चला गया, ये घटना होती तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि भाई दोषी दार को गिरफ्तार करे, उनको अरेस्ट करे। हम इसी बात पर संतुष्ट हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कुछ दिन पहले या एक साल पहले, दो साल पहले चकलदापुर में इतना बड़ा घटना घटी, पूरा रोड, पूरा शहर थम सा गया। तो यदि हमको ऐसा करने के लिए आप बाध्य करते हैं तो हम लोग भी उसके लिए तैयार हैं। इसमें रिमाइंड है कि पुलिस प्रशासन अपना त्वरित कार्रवाई करते हुए दीपक बोधरा जी के कातिलाना हमलों को गिरफ्तार करें, हम यही चाहते हैं। और जहां तक ये भूमि माफिया की बात आ रही है सामने, वो कहां तक सच है वो अलग बात है, दीपक बिरुआ जी के बयान लेने के बाद ही ये पता चलेगा, लेकिन इस पर भी हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अभी जितना NH 75 के समीप बाहर के सभी लोग मैंने रोड लेकर, जमीन लेकर के किसी न किसी व्यवसाय को अपनाने के लिए तुले हुए हैं, वैसे लोगों पर भी हम लोग को निगरानी रखने की, काफी मुस्तैद रहे हैं हमेशा से। सामाजिक जो भी लड़ाई रही है उसमें अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के हमेशा लड़ाई लड़े हैं। तो इस तरह की जो लड़ाई लड़ने वाले जो समाज के जो सच्चे सिपाही है, इन्ही लोग को जमीन माफियाओं के द्वारा ये टारगेट किया जा रहा है। कल जो ये घटना घटी है दिन दहाड़े, इससे पुलिस प्रशासन के पर भी सवाल उठती है कि पुलिस प्रशासन कल ये घटना घटे 24 घंटे के बाद भी आज तक अभी तक कोई भी ऐसे दोषी पकड़ा नहीं गया। इससे ये हम लोग आज ये सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि दोषियों को पकड़ा जाए, उसको पहचाना जाए कि वो किस उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिए, इस उद्देश्य से पता चले और उस उद्देश्य का पता करके हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। पुलिस प्रशासन अपने स्तर से करे, उन लोग को पकड़े और सलाखों के पीछे डाले। सबसे पहली बात तो यह, हमारे क्षेत्र में मंकी मुंडा व्यवस्था चलती है। हमारे जो ग्राम के जो सबसे प्रथम व्यक्ति जो होता है मंकी मुंडा होता है, दीपक बोधरा हमारे यहाँ के मुंडा है, उसी के ऊपर अगर ये हमला होती है तो निश्चित तौर पर ये हम ये कह सकते हैं कि या जितने भी ग्रामीण है, ग्रामीण का कोई सुरक्षा नहीं है, ये ऐसा हम ये इंगित कर सकते हैं। ये अगर ऐसा होता है तो आने वाला समय में जो आज यहाँ आप जितना ग्रामीण देख रहे हैं, आने वाला समय में बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। आज हम पुलिस प्रशासन को हम लोग ये कह दे रहे हैं कि हम लोग को जो आपको फिर 24 घंटा का समय दे रहे हैं, इस 24 घंटा में जो भी आपको अपने स्तर से टेक्निकल जो भी चीज आप कार्रवाई करके इसको दोषियों को पकड़ा जाए, पकड़ करके सलाखों के पीछे लगाया जाए और हम लोग को उसका उद्देश्य पता चले कि किस उद्देश्य से पीछे से गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया गया था। अच्छा, वही आपका बोर्डा पुल के आमने सामने वहाँ पीछे से गाड़ी से फोर व्हीलर से उसको कुचलने का प्रयास किया था, उस समय भी जानलेवा हमला किया गया था। उस समय किसी तरह से बच निकले थे, अब भी आज इस स्तर तक पहुँच गए। यहाँ दोषियों को इतना हौसला बुलंद है कि यहाँ आकर के यहाँ पे उसका दुकान चलती है, दुकान में आकर के गोली मारा गया है, इससे शर्मनाक और बात हो नहीं सकती है। तो पूरे समाज आज एकजुट है, आप पूरे मंकी मुंडा व्यवस्था के जो टीम है पूरे और टीम ग्रामीण है पूरे यहाँ मौजूद है, तो निश्चित तौर पर हम लोग बड़ा आंदोलन की और हम लोग रूपरेखा तैयार कर निर्वाहन करना होगा, पुलिस प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन करना होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।